नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, RRC ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। एक और RRC जोन की तरफ से अभी भी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन DB और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग जारी करा दिया गया है। इंतजार खत्म, DB और मेडिकल का फुल शेड्यूल RRC नॉर्दर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें DB का और मेडिकल 13 फरवरी से शुरू करा दिया गया है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। और DB का फुल इंस्ट्रक्शन भी जारी करा दिया गया है RRC नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। और इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो PET शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और इंक्लूडेड जो CCA और PWD कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसी की रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन जारी कराया गया है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं जो RRC नॉर्दर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉर्दर्न रेलवे, यहीं से नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। जैसे आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 तारीख के डेट में यहाँ पर 1/2/2023 को ही पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस जो यहाँ किंडली अटेंडेंसन CN नंबर 01/2019, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस नंबर 2 डेट 31/1/2023, यहाँ पर रीडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिस है। और यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से नोटिफिकेशन क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर बताया गया CN नंबर RRC 01/2019 नोटिस नंबर 2 डेट, यही चीज़ पूरा वाला लिखा गया, पुराने जो भी बताए थे। और इसके निकालने यहाँ पर नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं पहले नंबर पर लिखा गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव बीन कंडक्टिंग CBT फ्रॉम 17/8/2022 से 11/10/2022 तक पब्लिशेस रिजल्ट ऑफ द CBT 23/12/2022 इन टर्म ऑफ द इन ऑफ आइटम नंबर 3-4 RR ऑफ द RRB चंडीगढ़ नोटिस फ्यूचर द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन पब्लिश फाइनल शैल बी द डन RRC नॉर्दर्न रेलवे। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी CBT एग्जाम चले थे उसके बारे में बताया गया, 17/8/2022 से 11/10/2022 तक चला गया था, और उसका रिजल्ट CBT का रिजल्ट 23/12/2022 को नोटिस के अनुसार पब्लिश करा दिया गया था 3 और 4 वाले नोटिस के अनुसार। और अब इसके बाद जो RRB चंडीगढ़ की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था, अब इसके बाद उन्होंने बता रहा है कि PET के बाद पूरी प्रक्रिया जो होगी वो PET से लेकर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आपको नॉर्दर्न रेलवे की और RRC नॉर्दर्न रेलवे की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। यानी आप लोग जानते होंगे इसमें जो नोटिस दिया गया है, जिसमें जो सभी जो PET पास कैंडिडेट हैं और जो CCA कैंडिडेट हैं और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग ये नोटिस है, सभी के लिए मान्य होगा। अब यहाँ से RRC नॉर्दर्न रेलवे की वेबसाइट से सभी सूचना आपको मिलेगी। इसके आगे देखते हैं क्या बताया गया, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर इन्होंने मेंशन किया गया फिजिकल इफेंसी टेस्ट फॉर द लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट CN नंबर RRC 01/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 19/1/2023 से 24/1/2023 क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड लिस्ट वेयर पब्लिश द वेन्यू एंड सेम वेयर अपलोडेड ऑन RRC वेबसाइट, जो यहाँ पर दिया गया इतना नार वाला वेबसाइट उस पर। यानी जो आपकी PET चली थी लेवल 1 कि उसकी 19/1/2023 से 24/1/2023 तक, उसमें आपकी जो PET में जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे आपको वहां पर भी सूचना बता दी जाती थी, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता और आपको RRC वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाता था जो NR की वेबसाइट है, तो इसी के रिगार्डिंग ये बताया गया है। तो आगे यहां पर देखते हैं क्या बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी द कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी DV एंड ME विल बी अपलोडेड शॉर्टली। यानी आपकी जो DV और मेडिकल के का प्रोसेस चलने वाला वो जल्दी आपको वेबसाइट पर शॉर्टली पब्लिश कर दी जाएगी, यानी 1 से 2 दिन में। तो जो CCA कैंडिडेट है और PWD कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 30 और 40 नंबर पर ही लिया जाता है, तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वो रेडी कर लें। और बाकी जो
टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स थोड़ा इंक्रीज किया जाता इंक्रीज होगा, जो उसके बाद ही आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी, क्योंकि आपकी लोगों की जो पीटी होती है उसमें तीन गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, डीबी में एक गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तीसरी की रिकॉर्डिंग आपकी जो डीबी होगी उसमें बदलाव किया गया है। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया है द 22 शेड्यूल ऑफ द डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 13-2 फरवरी 2023, यानी आपकी जो डीबी चलने वाली है वो आपकी 13 डीबी और मेडिकल वो 22 संभावित डेट बता दिया गया है, 13 फरवरी 2023 से चलने वाली है, आपको लगभग से लगभग कह सकते हैं 10 दिन का मौका दिया गया है और जल्द से जल्द आपको अपना डीबी और मेडिकल के लिए तैयार हो जाना है, ऐसा एडवाइस दिया गया है। आगे देखते हैं द वेन्यू एंड डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट रिपोर्टिंग टाइम विल बी इमीडिएटली इन द ड्यू कोर्सेज ए लिंक टू द डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मोड अवेलेबल विल ऑन द शॉर्टली। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो वेन्यू और डेट दी जाएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं की जाएगी ड्यू डेट पर, और इसके बाद आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा जो यहाँ पर ये बताया गया है, जो जल्द ही यहाँ पर बताया गया इंटीमेटेड यानी जल्द ही आपको यहाँ पर उस पर आपकी जो लिंक दी जाएगी उस पर आपको वहाँ पर वेन्यू और डेट देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शन जो बताया गया वो सभी के लिए एक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी जो यहाँ पर जो डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाले वो 13 फरवरी 2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करने वाली है, इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। आप यहाँ पर संभावित डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, कॉमन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि पहले में इन्होंने मेंशन किया कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्ट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ रिकमेंडेड इन रेलवे हॉस्पिटल कैंडिडेट आर द एडवाइस टू बी द प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेज एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3 या 4 डे, यानी जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाली है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयार हो जाना है और आपको 3 से 4 दिन का वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था के साथ आना है, क्योंकि वहाँ पर टीबी के नेक्स्ट डे ही आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर बताया गया कि नो वेन्यू ऑफ चेंजेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी द इंटरेड, यानी जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन और का वेन्यू दिया जाएगा वो आपकी किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं की जाएगी, आपको वहाँ पर जाना होगा। आगे यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट मस्ट विंग ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द 2 सेट फोटोकॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स डोली सेल्फ अटेस्टेड मैंडेटरी, यानी आपको ओरिजिनल जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका भी प्रिंटआउट आपको लेके आना है और ऑल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है उसको लेके आना है और सभी का 2 फोटोकॉपी करा के वहाँ पर लेके आना है, ये मैंडेटरी है और इसको लेके आना है। और बाकी ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंटआउट दिया गया है अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप वहाँ पर लेके जाइएगा, क्योंकि अभी तो इनके तरफ से कोई लिंक दिया नहीं, भर्ती 2019 की है, अब बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये वाला तो होगा नहीं, तो इसके लिए आप लोग अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप वहाँ और सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहाँ पर। इसके आगे यहाँ पर दिया गया 3A में दिया गया मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको जो आपने जो नोटिफिकेशन में जो आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा था उसमें जो भी ऑल एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगाया था उसका सभी चीज़ को वहाँ पर लेके आना है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो थी आप लोग भरे थे उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर 3B में बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो जैसे गजेटेड नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस फॉर्मल चेंज ऑफ द नाम एज द मैंडेटरी नोटिफिकेशन, अगर आपने की डॉक्यूमेंट जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने जो भी नाम भरा था उसके बाद आपने अगर कोई भी नाम में अपने परिवर्तन किया है तो आपको गजेटेड नोटिफिकेशन लेके आना है और लीगल डॉक्यूमेंट लेके भी आना है कि मैंने नाम चेंज कराया है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया। आगे इन्होंने बताया कि 3C में यहाँ पर मेंशन किया है NCVT अथवा SCVT, जो NCVT में NTC और NSE सर्टिफिकेट और ईयर एंड सेमेस्टर वाइज था कंस्टाइड मार्कशीट
फॉर द सी सी ए कैंडिडेट, यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एन सी बी टी और एस सी बी टी जो होते हैं आपके आई टी आई और आप तो वो दोनों यहाँ पर चलेंगे, और जो आपकी एन सी बी टी का जो अगर आई टी आई है या अप्रेंटिसशिप होता है जो, तो उसको भी आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, और वो भी सी सी ए कैंडिडेट के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, उनको लेके जाना है जो अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं तो वो आपके जो कोटा है वो नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पर दिया जाता है ग्रुप डी में, आपको वो जो 1/3 वेटेज वगैरह दिया गया था वो सब नहीं मिल पाएगा, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं 3D में बताया गया है जो सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एज द मैंडेटरी इन द नोटिफिकेशन इन द absent of the reluctant date of the certificate connection of the candidate will be the cancel date of birth will be the not considered valid documentary proof। यानी आपको जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको हाई स्कूल का मार्कशीट लेके आना है, नहीं तो हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही आपका यहाँ पर वो किया जाएगा, और नहीं तो आपकी वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से मान्य नहीं होगा, वो आपकी कंडीशन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर बताया गया है E में 3E में मेंशन किया गया कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द एससी एंड एसटी एज पर द एनेक्सर ए ऑफ नोटिफिकेशन, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको एनेक्सर ए में जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो एनेक्सर ए में जो फॉर्मेट दिया गया वो उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, और उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट एज पर द एनेक्सर सेकंड ऑफ द नोटिफिकेशन इन द प्रीफ्लेक्सिबल फॉर्मेट इशू बाई द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ ओ बी सी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी द प्रोसीजर ओ बी सी कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रीफ्लेक्सिबल फॉर्मेट नॉट ऑर्डर देन बी 1 year फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच द विल बी द क्लियरली मैंडेटरी अब ऑफ द नॉन क्रिमिनल लेयर स्टेटस एज पर एनेक्सर ए में नोटिफिकेशन एनेक्सर सेकंड ए में मेंशन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एनेक्सर ए वाला दिया गया है उसको जो अथॉरिटी बताया गया उस अथॉरिटी से आपकी एनेक्सर ए वाला वो इशू होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी जो फरवरी 2022 के बाद का अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो भी चल जाएगा, उससे 22 से फरवरी अप्रैल 2022 से अगर बात का है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और अप्रैल 2022 से पहले का है तो वो नहीं चलेगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई है तो आप अपना ओबीसी वाले कैंडिडेट अपना बनवा के डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। आगे देखते हैं जो एनेक्सर दिया गया है आगे उसके बारे में भी देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे यहाँ पर मेंशन किया गया वो यहाँ पर देख सकते हैं इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लिए EWS के लिए एनेक्सर थर्ड जो दिया गया इसके रिकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट जो दिया गया उसके अनुसार EWS कैंडिडेट का फॉर्मेट में बनवा के लेके जाना होगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इनका कोई भी इशू नहीं है, कोई भी कितना भी पुराना होगा वो चल जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर इनके लिए है। फिर भी अगर आपको नया बनवा के ही लेके जाइए अगर कुछ दिक्कत है। इसके बाद देख सकते हैं आगे यहाँ पर NOC के रिकॉर्डिंग बताया गया NOC जो फॉर द सर्विस एम्प्लॉय विद द डेट अपॉइंटमेंट ऑफ करेक्ट एम्प्लॉयर, यानी अगर जो भी कैंडिडेट अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो अगर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में, तो उनको आपको NOC लेके आना है, जो भी करंट आपकी एम्प्लॉयर जो होगा उससे आपको NOC लेके आना है रिजाइन देने के बाद जो NOC मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 4 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड NOC इन केस द EX सर्विसमैन, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डिस्चार्ज किया जाएगा उसके बाद जो वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया उसको भी आपको लेके जाना है, और NOC भी लेके जाना है जो EX सर्विसमैन है उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया। आगे यहाँ पर डिसबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस द PWD कैंडिडेट एज पर द जो आपकी कैटेगरी होती है 5A, 5B, 5C यहाँ पर जो कैटेगरी में दिया दिव्यांग कैंडिडेट को उस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको भी आपको बनवा के लेके जाना है जो नोटिफिकेशन में दिया गया। आगे यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर बताया गया जो
फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज इन मैंडेटरी सीएन नंबर RRC 01 पब्लिक 2019 एनीवन एंड फोटो कॉपी ऑफ द बोथ साइज आधार विद द ओरिजिनल, यानी आपके जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया आधार कार्ड का दोनों साइड आपको लेके जाना है, वो एनी डॉक्यूमेंट जिसमें यहाँ पर दिया गया है वो चीज़, और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी किया गया है उसमें आधार कार्ड के अलावा लेके जाना है, एक डॉक्यूमेंट और भी लेके चले जाइएगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया। आपको आधार कार्ड तो लेके जाना ही लेके जाना है दोनों साइड का, और भी अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर जाइएगा। आके देखते हैं यहाँ पर बताया गया है रिसीविंग ऑफ द पेमेंट इफ मोर द थ्योरी आर ए चलान एट SBI ब्रांच आर द पे इन द पे स्लिप एंड कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, यानी अगर आपने जो फॉर्म भरा था उसमें SBI का चलान से बनवाया था या पोस्ट ऑफिस से बनवाया था जो चलान के माध्यम से भरे थे, ये तो आपको कंप्यूटराइज आपको लेके जाना है, वो बनवा के वहाँ से जो प्रिंट आउट निकलता है उसका भी लेके जाना है, ये यहाँ पर बताया, चाहे चलान हो चाहे पोस्ट ऑफिस से, तो दोनों के लिए लेके जाना है। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया कि इनकम सर्टिफिकेट विल बी वेइंग द एग्जामिनेशन फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 3A, यानी जो EBC क्लास, यानी जो बताया गया जो EBC में 250 फॉर्म भर के फीस कटाए तो उनके लिए बताया गया आपको एनेक्सर ए में जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अनुसार EBC वाले कैंडिडेट अपना वो बनवा के लेके जाएंगे तभी वहाँ पर वो मान्य होगी, यहाँ पर मेंशन किया है। उसके आगे देखते हैं यहाँ पर बताया गया माइनॉरिटी कम्युनिकेशन डिक्लेरेशन एंड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है एज पर एनेक्सर 4 एज नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी जो अल्पसंख्या हैं उनके लिए जैसे मुस्लिम जो है जैन बौद्ध ये सब कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जा वाला जो या जो डिक्लेरेशन वाला दिया गया है उसको जुडिशियल स्टाम्प पर बनवा कर नोटिस वगैरह करवा के लेके जाना है, वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया। आगे देखते हैं वहाँ पर बताया गया सेल्फ क्लेरिफिकेशन बाई ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी जो क्लेरिफिकेशन का वो फॉर्मेट दिया गया उसको भर के लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं जो जम्मू कश्मीर डोसिमियल सर्टिफिकेट वेयर अप्लीकेबल, जो जम्मू कश्मीर से उनको लिए जम्मू कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया। आगे इन केस डिवोर्स एंड जुडिशियल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द कंप्लीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट स्टेटिंग द कैंडिडेट द नॉट री मैरिड इफ अप्लीकेबल, यानी जो जिनका डिवोर्स हो चुका है अभी अगर उनका अभी शादी नहीं हुआ है तो वो जो कोर्ट यहाँ पर बताया है कि जो एक एफिडेविट होता है वो उसको भी बनवा के लेके जाना है जो जिनका अभी शादी नहीं हुआ है जो उनका डिवोर्स हो चुका है इसके रिकॉर्डिंग बताया। इसके आगे यहाँ पर बताया कि इन केस ऑफ द विंडो डेट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सपोज इन द एफिडेविट स्टेटिंग डेट द इन केस द नॉट रीमैरिड, यानी जिनका पति का डेथ हो गया यानी पति का मृत्यु हो गया है उन केस में अगर आपने शादी नहीं की है तो आपको ये वाला जो एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया। और आके देखते हैं यहाँ पर बताया गया वो हाफ प्रोपोर्शन आप ई कार्ड CBT एंड PET के लिए, यानी जो भी कैंडिडेट अगर आपने CBT एग्जाम में बैठे हैं आपको 2% में एडमिट कार्ड दिया गया था, 1% वहाँ पर जमा होगा था, दूसरा पोर्सन आप लोगों को मिला था वो वाला पोर्सन लेके जाना है जो PET में हुआ था, और यही चीज़ आपके CBT एग्जाम में भी हुआ था तो दोनों का आधा फाड़ के दिया गया था वो चीज़ आपको वहाँ पर लेके जाना है, ये चीज़ें बताया गया। अगर ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर है तो इसको भी लेके जाइए कोई दिक्कत नहीं होने का वहाँ पर। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है 4 नंबर पर कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड द कैरी सिक्स फोटोज ऑफ द पासपोर्ट साइज सिमिलर टू द स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 6 फोटो लेटेस्ट फोटोग्राफ, यानी आपके पास अगर जो ऑनलाइन फॉर्म में भरे तो उससे रिलेटेड सिमिलर वो वाला फोटो है तो भी चल जाएगा और लेके जाना है, और जो आपने उसमें अपलोड किए हैं लेटेस्ट 6 फोटो वो वाला दोनों भी बनवा लेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों लेके जाइएगा तो वो भी चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 कॉपी आपको करवा लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे यहाँ पर 6 नंबर पर इन्होंने मेंशन किया है वो चीज़ें देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर बताया कैंडिडेट मस्ट बी द स्ट्रेक्टरी अबव द बाई द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई DB और फंक्शनरी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन विल बी द फॉलो द मेडिकल एग्जामिनेशन
ओनली हुज कैंडिडेट आर फ्यूचर फाउंड द फिट बाय द स्कैनिंग कमेटी, यानी आपको डीबी के बाद ही डीबी होने के बाद आपको मेडिकल में फिट होना होगा, तभी आपको यहाँ पर जो कि आपको कमेटी के द्वारा जो मेडिकल एग्जाम, तभी आपको स्कैनिंग में आपको फिट होने के बाद ही आपको ये नौकरी दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपको डीबी में डीबी के साथ साथ आपको मेडिकल में भी फिट होना है। इसके बाद आगे देखते हैं जो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज वेन्यू एंड सेंटर ऑफ द डेटा डेट डी बी आई विल बी नॉट इंट्राइड अंडर द एनी सर्कुलेमेंट्स। यहाँ पर बताया गया कि आपको जो भी वेन्यू दिया जाएगा डी बी के लिए उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर मैंसन किया जाएगा। आगे देखते हैं ये चीज़ें बताया गया है, सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड एरिया और इन द एक एडमिट कार्ड अटेंडेंस शीट मस्ट टेल बी द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म CBT एंड PT। उसके बाद CA मस्ट पुट द LT यानी RT यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेस एंड राइट थंब इम्प्रेस इन द स्पेसिफाइड स्पेस ऑन द अटेंडेंस शीट ऑन द प्रेजेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी DB के मेंबर नॉमिनेटेड पर्सन और द फेल्यूअर कंप्लीटली विल बी द लीड एंड रिजेक्ट ऑफ द कैंडिडेचर। यानी आपको जो ई कार्ड इशू किया गया वो अटेंडेंस शीट दिया गया है उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जैसे PT और CBT भी किया है, उसके बाद आपका जो लेफ्ट थंब्स होता है उसका भी इम्प्रेस और राइट थंब का इम्प्रेस का सभी मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करता है तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कैंडिडेट, अगर आपका जो लेफ्ट एंड राइट थंब से अगर वहाँ पर जो लिया जाएगा अगर वो वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहाँ पर आपको कोई प्रोफार्मा दे के आपको फॉर्मेलिटीज की जाएगी ताकि वो आपको अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको रद्द नहीं किया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर बताया गया, बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ पर फिंगर मैच नहीं करता तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया कैंडिडेट आर द कॉपी ई एडमिट कार्ड टू बी द DB कमेटी कीपिंग द बैक साइड पोजिशन ई एडमिट कार्ड, यानी जो RRC के द्वारा आपको DB के लिए दिया जाएगा, एक कमेटी का एक पोर्सन आपको ले लिया जाएगा, दूसरा पोर्सन वो आपको दे देंगे, उसको रख के रहना है भविष्य के लिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि RRC NR रिवाइज राइट रिजर्व टू द राइट ऑर्डर द कैंसिलेशन इन द केस एनी कैंडिडेट आर द ग्रुप कैंडिडेट वेन्यू एंड डेट और DB, यानी RRB के पास ये जो RRC है उनके पास ये बताया कैंसिलेशन कैंडिडेट का रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया कि रद्द किया जा सकता है किसी वेन्यू और कैंडिडेट का जो ग्रुप अगर वहाँ पर कुछ होता है तो ये चीज़ें बताया गया कि DB का डेट वो चेंज कर सकता है, उनके पास अधिकार है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वो कैंसिल कर सकते हैं वेन्यू और डेट और वो सब चीज़ें परिवर्तन करने का अधिकार RRC के पास है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा कैंडिडेट, आगे यहाँ पर देखते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग सभी चीज़ दिया गया है और यहाँ पर सब चीज़ें बताया गया कि उसको ये जो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर एनएससी है अगर कोई भी आपको यहाँ पर धरना वगैरह देते हो तो आपकी कंडीशन रद्द कर दिया जाएगी, सब चीज़ें वहाँ पर बताया गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। इसके बाद ये आपकी फॉर्मेट जो यहाँ पर दिया गया है इसको देख लीजिए, एनेक्सर ए दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बताया गया वो SC ST के लिए दिया गया, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद एनेक्सर जो सेकंड दिया गया जो OBC कैंडिडेट के लिए दिया गया इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा आगे एनेक्सर सेकंड ए दिया गया है जो OBC का दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एनेक्सर जो यहाँ पर मेंशन किया गया थर्ड जो EWS कैंडिडेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर EBC जो इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं जो फीस में छूट लिए हैं उनके रिकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया इस फॉर्मेट में, एनेक्सर थर्ड ए बताया गया, इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर एनेक्सर फोर में बताया गया कि जो डिक्लेरेशन दिया गया है उसको भी आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया। इसके बाद आके देखें एनेक्सर
और 5A में बताया गया है, जो मेडिकल अथॉरिटी है जो यहाँ पर बताया गया है उसको भी आपको लेके जाना है, जो यहाँ पर जो PWD कंट्री नोट होते हैं उनके रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। एनेक्सर यहाँ पर देखेंगे ए दिया है, 5A, उसके बाद एनेक्सर यहाँ पर एनेक्सर 5B दिया गया है PWD के लिए, एनेक्सर 5 यहाँ पर सी दिया गया, तीनों कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इसको लेके जाइएगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है वो चीज़ें। यहाँ पर एनेक्सर 4D दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया अंडरटेकिंग स्क्राइब कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया, जो आप यहाँ पर उनके लिए है तो उनको भी आप यहाँ पर भर के लेके जाना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके सब के लिए ये सब जो यहाँ पर दिया गया होता है वो अपना उसको देख लीजिएगा, जैसे दिया गया तो उस फॉर्मेट में अपना इसको लेके जाइए। उसके बाद एनेक्सर 4 में दिया गया, जो EX सर्विसमैन होते हैं जो उनके रिकॉर्डिंग दिया गया, तो उसको भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट को भी अपना बनवा के लेके जाइएगा। ये चीज़ें पूरी थी, फिर भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और सभी ये सब आपको टेलीग्राम पर लिंक दिया है, ये सब पूरी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।